कौन सा गांव है? नवादा। नवादा गौतम बुद्ध। आप अपना नाम बताइए। और रविचंद शर्मा। शर्मा जी, कहने का मतलब पिछले 5 साल में यूपी की सरकार रही, आपके क्षेत्र के विधायक धीरेन्द्र सिंह। हाँ जी। तो आप मुझे बताएं कि पिछले 5 साल में आपके यहाँ कोई काम हुए या नहीं हुए? काम हुए। अच्छा, जैसे रोड है, बिजली है। अच्छा जी। पहले बिजली नहीं आती थी। अच्छा। 4-5 घंटा आती थी। अच्छा। अब लगातार 18 घंटे तो आ रही है। अच्छा, तो अब क्या इरादा है? परिवर्तन चाहते हैं या अपने वोट उन्हीं को देंगे? जो सरकार काम करती है वो सरकार आनी चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है पिछले 5 सालों में काम हो जाए। काम। भाई साहब, ये नवादा गांव है विधानसभा जेवर का, अलावे बता रहे सुबह का समय बड़ा अच्छा है, सौभाग्य कि आज मैं आप लोगों के बीच में आया आपका इंटरव्यू करने के लिए। वर्तमान जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह है, आपकी क्या राय है? चुनाव का समय है, चुनाव नजदीक आ चुका है, क्या कहना चाहते हैं? सरकार ने तो काम ठीक कर रहा है अभी तक जो कुछ भी हुआ है। हाँ। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है, हमारा ये दलकोट जो ब्लॉक है इसे जेवर ले गए और हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। जैसे बता रहे दलकोट में हॉस्पिटल है या कोई बस अड्डा बनना था। हाँ। वो समय ये जो हमारा विधायक है। हाँ। ऐसे बता रहे लोग, हमें जानकारी नहीं है कि जेवर ले गए सब। अच्छा। हाँ जी, ये थोड़ा सा गलत हुआ, बाकी सरकार का काम बहुत अच्छा चल रहा है। अब क्या चाहते हैं आप, परिवर्तन या पुनः सरकार बीजेपी की? नहीं, सरकार तो पुनः बीजेपी की बननी चाहिए, योगी बाबा ही आने चाहिए। ठीक। भाई साहब, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा सा दो शब्द बोलिए, आप भी अपने मन की बात को बोलिए। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं तो आप भी मन का बाबू जी नहीं, नहीं। थोड़ा सा बोल दीजिए आप। अच्छा अच्छा, बाबू जी आप बोलेंगे कुछ थोड़ा सा? अच्छा ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं भालभूषण शर्मा फेस वार्ता से आप हतेवा गांव में बैठा हुआ हूँ, पंडित रामफल शर्मा जी के आवास पर। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, चर्चाएं चल रही हैं, चुनावी माहौल है, जानकारी लेते हैं कुछ जो से क्या कहते हैं वर्तमान सरकार के विषय में। भाई साहब, आपका नाम क्या, जरा हमें बताइए, और बताइए वर्तमान जो सरकार चल रही है इसके विषय में आपकी क्या विचारधारा है? नाम नरेंद्र नागर जी। सर, सरकार में गुंडागर्दी तो कम हुई है जी, ये तो कदम सरकार ने ठीक ठाया जी, लेकिन वैसे तो जो बेरोजगारी और महंगाई से तो लोग परेशान नहीं हैं। अच्छा। तो ये तो एक दो काम तो इसने ठीक भी किए और एक दो काम गलत भी हुए। गलत के विषय में बताएंगे, क्या गलत हुआ है, एक दो काम नाम बताइए। जैसे कि कोरोना महामारी में बहुत पब्लिक परेशान रही है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाई है, बेडों की व्यवस्था नहीं हो पाई है हॉस्पिटल के अंदर, तो लोग मरे भी बहुत, उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। जो मुआवजे घोषणा कर दी कि हम इतना मुआवजा दे रहे हैं, कोई एक आध दो चार बंदे को मिला हुआ, किसी को मिला थोड़ी, गाँव में सर्वे करके इन्हें पता ही नहीं किया कि कितने लोग कोरोना से मरे। जो वर्तमान विधायक हैं इनके विषय में आपकी क्या विचारधारा है, सर क्या कहना चाहते हैं? देखो वैसे तो ठीक है, लेकिन जो ये विकास कार्य हुए ये तो अथॉरिटी का पैसा था, उन्होंने फीते काटे विधायक जी ने, उनसे काम हुआ है। भाई साहब, आपकी क्या विचारधारा है आप बताइए। मेरा नाम पंकज शर्मा है जी। शर्मा जी, जो वर्तमान में सरकार चल रही है ये सरकार किसान विरोधी है जी। भारतीय किसान यूनियन से भी हमारा जो गांव है उसमें से जाते आते हैं, और मैं खुद मंडल मीडिया प्रभारी हूँ जी, भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक का जी। पिछले 1.25 साल हमने गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दिया इस सरकार के खिलाफ ही, बाकी सरकार ये है हमारा जो उसमें वो आया, ये आया कि ये सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है। और जो सरकार MSP की बात करती है वो MSP किसान को पूरी तरह नहीं मिल पाती है, और उसके बाद में अभी आपने देखा होगा पीछे खाद पे और तुम्हारा DAP पे जो किसान ने दर दर की ठोकर खा के अपनी खेतों की बुवाई करी है, और उसके बाद ये तुम अब ये मानोगे अपने ब्लैक में डाई ले लेके और अपने खेत उन्होंने बुवाई करी है।